हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन हियर इज अ थ्रेडेड रॉड विद 12 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ 1.18 सेंटीमीटर इज माउंटेड हॉरिजॉन्टली। अ बार विद अ थ्रेडेड होल टू मैच द रॉड इज स्क्रूड ऑनटू द रॉड। द बार स्पिन्स एट 1216 रिवोल्यूशन पर मिनट। हाउ लॉन्ग इट विल टेक द बार टू मूव 1.50 सेंटीमीटर अलोंग द रॉड। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमारे पास एक रॉड है जो कि 1 सेंटीमीटर में 12 टर्न ले रहा है। तो 216 हम रिवोल्यूशन किया है 1 मिनट में। तो अगर 1.50 सेंटीमीटर जाना है अलोंग द रॉड, ओके, तो उसको कितना टाइम लगेगा? सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम यहाँ क्या अप्लाई करने वाले हैं? बेसिक यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमारे पास 1 सेंटीमीटर के लिए, 1 सेंटीमीटर कवर करने के लिए 12 टर्न ले रहा है। उसका मतलब 1.50 सेंटीमीटर कवर करने के लिए, 1.5 सेंटीमीटर कवर करने के लिए उतना टर्न लेगा 12 × 3/2, दैट इज 18 टर्न्स। ओके, तो इतना टर्न लेगा 1.5 सेंटीमीटर कवर करने के लिए। तो 216 रिवोल्यूशन किया है 1 मिनट में, इन 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड में। 60 सेकेंड में 216 रिवोल्यूशंस किया है, मतलब टर्न लिया है। ओके, तो इसका मतलब वो एक टर्न के लिए कितना टाइम लेता है? एक टर्न के लिए 60 अपॉन 216। ओके, ये एक टर्न के लिए इतना सेकेंड लेता है, 60 अपॉन 216। तो हमें कितना चाहिए? 18 टर्न। फॉर 18 टर्न्स टाइम इट विल टेक इक्वल्स टू 60 अपॉन 216 × 18। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 सेकेंड। ओके, सो आर करेक्ट आंसर क्या हो गया? कितना टाइम वो ले रहा है? 5 सेकेंड। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।